सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रमेश अजवाणा डायरी फार्म पर। जितने भाई फेसबुक पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, वीडियो को शेयर करें, और जितने भाई वीडियो को पहली फेरी देख रहे हैं वो पास में लग गया घंटी का बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। राम राम भाई साहब। कौन सा गाँव है भाई साहब? कलामपुरा गाँव। सब जिला कौन सा अपना? जिला करनाल है। नाम क्या है? सुनील कुमार नाम भाई साहब। कहाँ से लेकर आए हो पहले तो ये बताओ? ये जींद से आया। जींद से आया है। क्या रिकॉर्ड है इसकी मदर का? 24 लीटर दूध देने वाली थी। 24 लीटर दूध देने वाली है। ठीक ठीक। इसका बाप कौन है बताओ कुछ? नहीं, ये सरकारी सीमन का सरकारी टिक्का का। ठीक ठीक। ये देखिए बहुत ही बढ़िया जोटा आज आपको दिखाऊंगा, काफी शानदार जोटा कैमरे के सामने खड़ा है। ये देखिए मदर का रिकॉर्ड बताया है इस भाई ने, 24 लीटर वाली का भाई साहब। 24 लीटर वाली मैंस का जोटा है, और टिक्का का पता नहीं है भाई ने। जैसे ये भी भाई लेकर जींद से ये भाई लेकर आया है, क्योंकि इसको भी नहीं पता है भाई कौन से टिक्के का, ये नहीं इतना मालूम है। उसने बताया इसके मालिक ने भी भाई सरकारी हॉस्पिटल से ही टिक्का रखवाया था, और बहुत ही शानदार जोटा है इस भाई ने तैयार किया है। ये देखिए थोड़ा आगे चला के दिखाइए भाई साहब, नीचे जो छाती है वो दिखाना चाहूँगा। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, और हाइट निकाल लिया जो कठड़ा ने, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। थोड़ी सी हाइट भी थोड़ी बीच की है इस कठड़ा की। दांत क्या है भाई साहब? यू दांत क्या हो रहा? चार दांत है। ये देखिए चार दांत कठड़ा बहुत ही बढ़िया। ये देखिए आगे से कवर करूँगा बिल्कुल छोटे सींग का, सींग आपको दिखाना चाहूँगा। भाई ने अभी तक सींग भी नहीं बनवाया इस कठड़ा का। ये देखिए थोड़ा नज़दीक से दिखाऊँगा। ये देखिए जो कुदरती सींग होता है वही सींग है, बिल्कुल छोटे सींग का, और फेस बहुत बढ़िया इसका। ये देखिए थोड़ा हा इसीलिए कर रहा है, सारे पशु इस भाई के अंदर बंधे हुए हैं। मैं श्याम छोटे भाई साहब जाता है। ठीक ठीक। मैं श्याम लगता है जैसे भाई ने बताया चार दंत कपड़ा, और थोड़ा पीछे जाके आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए पुट्ठे का बहुत ही बढ़िया है, और जो टेस्टिकल है कपड़ा के नीचे से, ये देखिए पूरी तरह से कवर करके दिखाऊंगा। थोड़ा शेड में ले ले भाई साहब, ले ले आगे ले ले। ये देखिए जो टेस्टिकल है, टेस्टिकल भी बहुत ही बढ़िया, और बिल्कुल जो स्याही है कठड़ा के अंदर बिल्कुल काली स्याही। ये देखिए तरह से कवर करके दिखाऊंगा ताकि किसी भी भाई को कोई परेशानी ना आए किसी भी तरह की। बिल्कुल चौड़े फुट्ठे का है, और जो टेल है थोड़ा हाउ भी कवर करूँगा। टेल है जो थोड़ी सी वो ज़्यादा वाइट है, मैं ये सभी को बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरे ख्याल से 10 इंच की वाइट है वो, मैं सभी भाइयों को बताना चाहूँगा। भाई साहब फूल तो नहीं कोई माथे के अंदर है? ये देखिए कोई फूल नहीं है, निशान नहीं है कोई भी कठड़ा का, जो स्याही है बिल्कुल काली स्याही का। ये देखिए, और करनाल के अंदर आज आप वीडियो कवर कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया जोटा आज देखने को मिला है करनाल के अंदर, क्योंकि इस साइड में बहुत ही कम पशु मिलते हैं ऐसे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया जोटा इस भाई ने तैयार कर लिया। थोड़ा इस साइड में ले लो भाई साहब, मेरे साइड में लाइए। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। भाई साहब आप कहाँ से हो? आपके एरिया में बहुत ही कम भाई डांगर तैयार करते हैं, और इस भाई ने देखिए बहुत ही बढ़िया जोटा तैयार किया, क्योंकि एक जोटा तैयार करना, एक पहलवान तैयार करना वो बराबर है। ठीक है नहीं? आपका क्या लगेगा कि आप कैसे जानते हो इसके? ये मेरा गोवंडिया जी, गांव पड़ोसी गांव से है। अच्छा जी। और ये बहुत अच्छा रुझान है इसका, ये देख के एक दूसरे भाइयों को देख के, ये जींद से लेके आया जोटा। 24 केजी प्लस का है इसकी माँ का रिकॉर्ड। अच्छा जी। और ये इसकी बहन है जी, वहाँ जींद साइड। हाँ जी, शादी की उधर से लेके आया था, उधर से लेके आया है। ठीक ठीक। देखिए बहुत ही बढ़िया रिकॉर्डिंग में ऐसा कठड़ा, क्योंकि देखो जी आप इसकी छाती देखिए, ये देखिए चौड़ी छाती है इसकी। देखिए नीचे से दिखाना चाहूँगा। ये देखिए जो छाती है कठड़ा की बहुत ही चौड़ी छाती का, और जो गर्दन है बहुत ही लंबे गर्दन का। ये देखिए पूरी तरह से कवर करके दिखाऊंगा, और जो पैर है कठड़ा के वो भी मजबूत है। ये देखिए बिल्कुल मजबूत पैरों का, और एक दूसरे को देख के ही पशु रखने का शौक होता है इस भाई ने। इस गाँव में बहुत ही बढ़िया जोटा रखा है, और भी भाई देखेंगे थोड़ा रुझान बढ़ेगा। ये देखिए बहुत ही बढ़िया जोटा भाई ने तैयार कर लिया है। भाई साहब और भी पशु पाले कोई आपने रखा घर पे? बढ़िया, अभी लेके आया, अभी लेके आया। ये देखिए भाई ने शुरू शुरू में काम चालू किया, पहले ही एक बुल बहुत ही बढ़िया तैयार कर लिया, क्योंकि एक बुल के बगैर आप कोई भी फार्म नहीं चला सकते। देखिए बहुत ही बढ़िया बुल। रेट क्या है भाई साहब, सेल करोगे इसको? क्या रेट है भाई इसका?
130,000 रुपये थोड़ा शेड में लिया। ये देखिए 130,000 रुपये इस भाई ने इसका रेट किया है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, थोड़ा हाई एक बार और चला के दिखा भाई। ये देखिए जो पूरे पैर हैं पूरी तरह से दिखा दूंगा। ये देखिए किसी भाई को कोई परेशानी ना आए, और जिस भाई ने बात करनी है इस भाई का नंबर स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा। कमेंट में ज़रूर बताएं इस भाई का बोल आपको कैसा लगा। आशा करूँगा सभी भाइयों को ये वीडियो पसंद आएगी। आखिर तक वीडियो देखने वाले भाइयों का धन्यवाद।